हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज अपने पुराने टॉपिक के बारे में बात करूंगी। इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइमली। और मैं अपने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो मेरा पुराना वीडियो था, तो मेरा IVF फेल हो गया। IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। तो मैं फोर्सफुली टेस्ट ट्यूब बेबी कराई ताकि मेरा जल्दी सक्सेस हो जाए, लेकिन बैड लक, तो उसकी वजह से मेरा फेल हो गया। वो फेल हो गया, और सिर्फ वही फेल नहीं हुआ, ये था कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल में एम्ब्रियोज रखे हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा बैड लक इतना ज़्यादा चल रहा था कि मैं क्या बोलूँ, वो हॉस्पिटल में रखे हुए एम्ब्रियोज भी ख़राब हो गए। मतलब हर तरफ से मैं मायूस हुई। फिर डॉक्टर मेरी बोली कि अब हम लोग नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा टेस्ट ट्यूब भी नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे लिए दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। इस बार मैं डॉक्टर की कहे हिसाब से चलने लग गई, क्योंकि मैं पहली बार में क्या की थी कि फोर्सफुली IVF कराने लग गई थी। तो वो बोले कि ठीक है, अब मैं मतलब रेडी हो गई कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अब इसके साथ मेरा प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, तो वो लोग स्टार्ट कर दिए थे दिसंबर से, नवंबर मेरे को रेस्ट दिया गया एक महीने का, तो लोग दिसंबर से स्टार्ट कर दिए। और 30 जनवरी को 2020 मुझे पता चला कि I am pregnant, मैं कंसीव कर ली थी। तो अब मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन डॉक्टर मेरे को स्ट्रिक्टली मना की थी कि अभी आप ये रिवील नहीं करेंगे, खुद भी नहीं, आप खुद भी नहीं मतलब सोच सकते कि ये आपका बेबी आपके पास रहेगा, अभी तक नहीं। जब तक हम खुद कंफर्म नहीं हो सकते हैं, तब तक हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप खुश होइए, क्योंकि ये अभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बोली ठीक है, और मैं बार बार परेशान होती रही उसकी वजह से, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा आए थे मिलने, और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मुझे पापा को जिस दिन जाना था उसी दिन एडमिट हो गई। ये सब चलता रहा, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी सास को फटाफट बताऊं, लेकिन डॉक्टर के कहने के हिसाब से कि अभी आपके अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नॉर्मली घर में, गांव में सब लोग ऐसे बोलते हैं 3 महीने हो जाए, लेकिन मेरी डॉक्टर खुद तो कंफर्म हो। डॉक्टर मेरी बोली कि अभी तक मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि आपके मतलब हिसाब से आपका बेबी अभी है तो, लेकिन कैसे है ये अभी क्लियर नहीं है। तो मैं बोली ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ सब कुछ, मतलब कंफर्म तो हो गया कि प्रेगनेंसी है, लेकिन अभी ये था कि उसको बचाना बहुत मुश्किल था। मतलब मेरे हार्मोन्स जो चेंज हो जाते थे उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सब चलने लगा, और मेरी बोली कि ठीक है, मैं सोची इनको बोली कि मैं अम्मा को तो बता ही देती हूँ, सासू माँ को, वो बहुत वेट कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि अम्मा चली गई अपने मायके, और मायके जाने के बाद फिर मेरा उनसे बात ही नहीं हो पाया। अब मैं उनको कॉल करूँ तो वो भीड़ में थी, बहुत लोगों के साथ थी, और अम्मा को थोड़ा कम सुनाई देने लगता था, फ़ोन उन पे वो क्लियर नहीं सुन पाती थी जल्दी, तो इस वजह से मैं उनको फ़ोन नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी बड़ी वाली दीदी को बोलती, ननद को, कि आपके जब भी अम्मा से बात हो तो आप प्लीज़ एक काम कीजिएगा कि अम्मा को बता दीजिएगा। ये सब होने लगा, और फिर एक महीने बाद फरवरी निकल गया। अब 2 महीने कम्प्लीट हो गए 1 मार्च को। अब हम लोग उस दिन, मेरे पांडे जी बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इनको मूवी के लिए अपने काम करना था, मूवी बनाने के लिए ये अपना उठे फटाफट, संडे को उठेंगे और काम करेंगे। और सुबह ये सोए हुए थे तभी कॉल आ गया कि इनकी अम्मा नहीं रही। अब ये मतलब बहुत बड़ा शॉक था मेरे पांडे जी के लिए, मुझे, मेरे लिए भी। किसी की माँ का चला जाना मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता था, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में, और उस दिन अम्मा भी चली गई। मतलब हम लोग, मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि मैं अम्मा को नहीं बता पाई अपनी प्रेगनेंसी, वो बिना सुने ही चली गई इस दुनिया से। तो मेरा प्रोसेस चलता रहा, लेकिन ये खुशियों के साथ मेरा एक दुख जो था, ये बहुत बड़ा दुख था, ये मैं अम्मा को नहीं बता पाई, वो मेरे बच्चे का वेट करते करते इस दुनिया से चली गई, सुन भी नहीं पाई। तो इस बात का मुझे गिल्ट हमेशा रहेगा। इसको मैं कैसे बयां करूँ, शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। और उसके बाद पांडे जी चले गए और मैं यहीं रह गई, और यहाँ पे मेरा रहना ज़रूरी था, क्योंकि मैं जा नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती थी, इस वजह से मुझे यहीं रुकना था, तो इस वजह से मैं नहीं गई। तो ये मैं आपको आगे की प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।